वाई वी ऑल नीड ए रईट सर्कल और क्यों हमें ये चूज़ करना चाहिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ फॉर एग्जाम्पल यू नो आप कुछ अचीव करके आए यू नो आपको जॉब में प्रमोशन मिली है या फिर कोई अवार्ड आपको मिला है फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हैं कुछ लोगों के पास में तो वो आपका अवार्ड दे के या फिर आपका प्रमोशन के बारे में सुन के खुश नहीं होते हैं वो आपको एग्जाम्पल देते हैं कि अरे वो तो कंपनी का सी ई ओ बन गया फलाना वो शर्मा जी का बेटा तो ऐसा दस अवार्ड ले कर आया है और आपको लगता है यार आपने तो कोई बड़ी चीज़ की नहीं है मुझे और कोशिश करनी पड़ेगी शायद मैंने अभी तक कुछ बड़ा अचीव नहीं किया है लेकिन फिर आप दस अवार्ड जब तक लेकर आएंगे तब तक शर्मा जी का बेटा जो है वो पच्चीस अवार्ड ले चुका होगा और आप जब जाकर के बताएंगे देखो मेरा दसवा अवार्ड है वो बोलेंगे अरे उसने तो पच्चीस अवार्ड जीत लिए तो आ, इस तरह के लोग जो हैं वो आपके अचीवमेंट कभी काउंट नहीं करेंगे दे ऑलवेज मेक यू फील स्मॉल बिकॉज उन्होंने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया है शायद अपनी जिंदगी में वो खुद छोटा महसूस करेंगे आपके अचीवमेंट के सामने इसलिए आपको छोटा महसूस करवाएंगे हमेशा कितना भी आप अच्छा कर लें दिल नेवर अप्रिशिएट यू दिल नेवर क्लैप फॉर यू सो ऐसे आप सोच के देखोगे ऐसे लोगों की आपको क्या जरूरत है लाइफ में बिकॉज आपको सपोर्ट तो इनसे कभी नहीं मिलना उल्टा आप जो अचीव करेंगे उसको ये दिल मेक इट स्मॉल दिल सक एवरी गुड थिंग आउट ऑफ यू और वहीं पर कुछ ऐसे लोग होंगे कि अवार्ड छोड़ो आपने कुछ एक छोटा सा भी अच्छा काम कर दिया ना दे अप्रिशिएट यू सो मच कि वहा यू डन सो वेल आई एम प्राउड ऑफ यू यू डिजर्व मोर कीप एट अप एंड देन यूल फील एनर्जाइज्ड टू डू मोर और आपको लगेगा हाँ मैं ये कर सकता हूँ हाँ मैं और अच्छा कर सकता हूँ तो ऐसे लोग जो है ना आपको इस तरह के लोग चाहिए जिंदगी में आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि यू नो वॉट इज राइट फॉर यू एंड वॉट इज नॉट राइट फॉर यू तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही सर्कल चूज़ करें क्योंकि ये हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करते हैं इस तरह के लोग सो चूज़ वाइसली